मसूर दाल घुगनी बनाने के लिए चाहिए 1 कटोरी साबुत मसूर दाल, 2 से 3 घंटे सोख की हुई। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। इसके बाद 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। इसके बाद इसमें कटे हुए प्याज डालकर भून लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए प्याज, बस इतना ही भूनना है। प्याज भुनने लगे हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। मैंने इसमें बारीक कटा हुआ 1 टमाटर लिया है, अब इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। इसके बाद इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद अब इसमें हम सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जैसे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला डालकर अच्छे से भून लेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है, तो आपको जैसा तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। दो मिनट मसालों को भूनने के बाद अब मैं इसमें सोख की हुई मसूर दाल ऐड कर दूंगी। मसूर दाल को भी दो दो मिनट के लिए हम भून लेंगे। अनुसार पानी डालकर हम दाल को अच्छे से पका लेंगे। मैंने यहाँ 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे पकने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। लिड हटाकर चेक कर लेंगे, दाल में बॉयल आ गया है। अब इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद इसको वापस ढक्कन बंद करके पकने देंगे जब तक कि दाल गल नहीं जाती। 15 मिनट हो गए हैं, चलिए दाल को चेक कर लेते हैं। दाल पकने लगी है। इसको चेक करने के लिए एक चम्मच से दाल को मैश करके देखेंगे। अगर मैश हो जाती है तो इसका मतलब दाल पक गई है। इस तरीके से मैंने थोड़ी सी दाल ली है, इसको चम्मच से मैश करके देखेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से मैश हो रही है, इसका मतलब दाल पक गई है। मसूर की घुगनी बनकर तैयार है। आप चाहें तो अपने आवश्यकता अनुसार इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। मैंने इसमें ग्रेवी नहीं रखी है, मुझे सूखी चाहिए थी, तो मैंने ऐसे बनाई है। अब इसको हम सर्व करेंगे। साबुत मसूर की दाल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और उतनी ही ज़्यादा ये हेल्दी है। आप इसे रोटी, राइस, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। 1 चम्मच घी के साथ मैं इसे सर्व करूंगी। आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ मुरमुरे के साथ। मुरमुरे के साथ मसूर दाल की घुगनी बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही हेल्दी है, वेट लॉस रेसिपी है। तो आप इसे जिसके साथ खाना चाहे उसके साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।